अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, स्मार्ट किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन पेटीज। इसके लिए हमें चिकन हाफ के जी, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया, नमक, काली मिर्च, प्याज बारीक जैसे ऑमलेट की कटती है उस तरीके से, वैसी प्याज चाहिए। और ये पफ पेस्ट्री है, मैंने तो घर में बनाई है, ये इजीली बाज़ार में मिल जाती है। अगर आपको ज़रा इसको बनाना थोड़ा ट्रिकी काम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इजीली ये बाज़ार में आपको मिल जाएगी। अब चिकन की फिलिंग बनाने के लिए हमें चिकन हाफ के जी बॉइल्ड है, प्याज तकरीबन 3 से 4 डली है, नमक और काली मिर्ची और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। देखिए प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई, प्याज के साथ पक्का ये बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगी। इसमें हम मज़ीद हाफ ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये चिकन में डली हुई है, नमक, काली मिर्ची, हाँ बस ये फिलिंग इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। बस अब ये फिलिंग जो है वो 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगी और फिर इसको ठंडा करके फिर हम पेटीज फिलिंग करेंगे। ये देखें प्याज और चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल रेशा रेशा हो चुकी है। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ दूँगी। इसको पहले हम ग्रीस कर देंगे, ग्रीस करके साइड पे रखेंगे और फिर इस पर पेटीज बना बना के रखते जाएंगे। मैं बिल्कुल बराबर 2 पीसेस कर लूँगी ताकि एक के ऊपर एक ओवरलैप करने के लिए, एक ऊपर की लेयर के लिए और एक नीचे की लेयर के लिए। और बस इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना जो उसकी लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो देखा होगा पेटीज में जो आती हैं लेयर्स, और हल्का सा बस सा डस्ट करना है, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस ये चिपके ना आप। इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर बेकिंग के बाद अच्छा सा कलर आ जाए। ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में रख दूंगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स, हमारी चिकन पेटीज तैयार हो चुकी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से घर पे आप कम बजट में बना सकते हैं। मेरे चैनल स्मार्ट किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।